जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स और आप सभी अपना ख्याल जरूर रखना इस सर्दियों में और ये देख रहे हैं ना ये बथुआ है बथुआ जो है कि जो कि हमें सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है और इसके आप जब फायदे देखोगे तो आप इसको कभी नहीं छोड़ोगे वैसे तो इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं पर बथुआ की अगर जब कड़ी बनाओगे ना तो आप इसके सच में इसको बहुत टेस्टी बनती है बथुआ की कड़ी और मेन मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम सिर्फ सर्दियों में ही बना सकते हैं क्योंकि जो बथुआ है वो हमें सिर्फ सर्दियों में ही प्रोवाइड होता है तो इसीलिए क्या है कि हम इसको इसको एक बार बनाना क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए ही हमें मिल पाता है और इसकी स्वाद जो होता है कड़ी का वो एकदम बहुत ही सबसे अलग ही होता है तो एक बार इसका वथुआ की कड़ी बनाना है तो इसके लिए क्या है सबसे पहले मैंने ये पकौड़े तलने हैं तो पहले हम बेसन ले लिया बेसन में थोड़ी सी प्याज डाली है थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक मतलब इसमें मेन चीज़ है घी वो एक चम्मच आपको देसी घी डालना है इसमें और फिर पानी डाल के इसका अच्छे से एक पेस्ट तैयार करना है मतलब घी से क्या होता है घी डालने से क्या होता है कि हमारे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं इसमें कोई सोडा और कोई इनो डालने की ज़रूरत नहीं है बस आप एक चम्मच घी डाल दीजिए जमा हुआ और बस पानी डाल के इसको अच्छे से फेंटना है जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे उतना ही हमारे पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे तो इसलिए अब कभी भी आप आ, पकोड़े में ना ही आपके कभी टाइट होंगे ना ही आपको किसी सोड़े की ज़रूरत पड़ेगी बस आपको बस मेहनत करनी है इसको जितना भी हम इसको विस्क जितना करेंगे जितना चलाएंगे जितना फेटेंगे उतने पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बनेंगे तो देखिए मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं अब बस पानी डाल के इसको अच्छे से हमें इसका पेस्ट बनाना है बथुआ की कड़ी का स्वाद ही एकदम से अलग होता है और इसको इस सर्दियों में ज़रूर बनाना क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए ये हमें मिलता है बथुआ तो हम इसके कभी तो पराठे बनाते हैं कभी इसकी सब्ज़ी बनाते हैं पर एक बार कड़ी बना के देखना आपको बाकी कड़ियों से ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाली है क्योंकि इसका टेस्टी एकदम पता नहीं क्यों कड़ी में जो बथुआ का जब डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो देखिए हमें बहुत अच्छे से चलाना है कम से कम पाँच मिनट तो आपको देखना है कि आ, हमें ये, मतलब अच्छे से इसको फेंटना है क्योंकि जितना अच्छे से हम फेंटेंगे घी डालकर उतना ही इसमें ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हल्की सी तिख और ये देखो फ्लफ़ी टाइप का हो गया इसको बस इतना खूब देर तक अच्छे से चलाना है कम से कम पाँच मिनट तक अब हम जो आ, अपने जो पकौड़े तलेंगे तो उसको हम एकदम पहले तेल अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और छोटे छोटे इसमें पकौड़े डालेंगे कम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इस फ्राई करना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर कर देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे तो इसीलिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है और छोटे छोटे तो पकौड़े जितने हम डालना चाहते हैं कड़ी में उतने ही हम पकौड़े इसमें बनाएंगे अब इसको तब तक फ्राई करना है इन पकौड़ों को जब तक इसका एक लाइट ब्राउन कलर का इसमें टेक्स्चर आ जाए तो देखिए कढ़ाई में जितने पकौड़े आने थे उतना हम पकौड़े डालने छोटे छोटे देखिए अब हमारे पकोड़े लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं अब हम पकोड़ों को साइड में निकाल लेंगे कभी भी आपके पकोड़े टाइट नहीं होंगे अगर ये आप उसमें घी डाल देंगे ना घी से बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत फ्लफी होते हैं और जो आ, पकौड़े होते हैं फूलते भी हैं अब जिसमें मैंने पेस्ट बनाया था ना तो उसी में पेस्ट बचा हुआ था तो मुश्किल से ये चार चम्मच के बराबर पेस्ट बचा था बेसन का तो उसी में मैंने छाछ मिला के इसको और अच्छे से मिक्स कर दिया है अगर पेस्ट ना बचे तो हम चार चम्मच बेसन डाल के अपने अकॉर्डिंग और उसमें छाछ से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी भी डालेंगे इसमें जिससे कि एक इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो इसका जो लिक्विड है वो बिल्कुल फ्लोइंग वाला इस टाइप का होना चाहिए देखिए इसमें लग नहीं रहा है तो बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए अब जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल ले इसमें कम से कम दो चम्मच के बराबर तेल होगा अब इसमें हम आ, फ्लेम है वो बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और इसमें हम थोड़े से मैथी दाना डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़े से सरसों के दाने ये तीनों चीज़ अच्छे से चटक जानी चाहिए चटकने के लिए बस इसको अच्छे से लो फ्लेम पे ही हमें करना है क्योंकि जल जाते हैं बड़े उसमें अगर हाई फ्लेम करेंगे तो इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाल दिए और मिर्ची को मैंने ऐसे स्लाइसिस करके फिर उसको कट करके डाला है इसमें क्योंकि ऐसे जब मिर्ची डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें थोड़ी सी हींग ज़रूर डालना कड़ी है तो हींग तो जरूर है कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं अगर कड़ी पत्ता आपको मिले तो कड़ी पत्ता भी डालना उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब जो भी बथुआ था मैंने कट नहीं किया उसको अच्छे से कम से कम पाँच छः बार अच्छे से वॉश कर लिया था उसकी पत्ती पत्ती छाट कर और क्योंकि बथुआ में मिट्टी ज़्यादा होती है इसलिए इसको पाँच छः बार इसको धोकर फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही इसमें डाल दिया है कम से कम दो तीन मिनट ऐसे चलाना है इसको कट नहीं किया है क्योंकि कट करने से क्या है अपने आप ही धीरे धीरे ये सारा सॉफ्ट हो जाएगा इसलिए ज़रूरी नहीं है कट करके डालना अब दो तीन मिनट के लिए इसको ऐसे हम चला देंगे ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है अब इसमें जो भी हमने बैटर बनाया था अपना बटर मिल्क और बेसन का उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग जितना हमको और हमें किसी इसकी थिकनेस किस टाइप की चाहिए तो इसमें और पानी डाल देंगे तो इसमें मैंने और डाल दिया है पानी क्योंकि जब बेसन को जब हम कड़ी को बॉयल करने देते हैं तो ये अपने आप फूलता भी है बेसन तो और इसमें गाढ़ापन आ जाता है तो उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इस टाइम पर हमें क्या करना है फ्लेम को हाई फ्लेम कर देना है इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है हाई फ्लेम इसलिए कि हमें चलाना नहीं पड़ेगा तो हम हाई फ्लेम में करके इसको जल्दी से बॉइल स्टार्ट करेंगे इसका तो इसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर दोनों चीज़ डाली है क्योंकि थोड़ी चटपटी और तीखी कड़ी होती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है तो ये देखिए बॉल जो है बॉइल है वो अच्छे से स्टार्ट हो चुका है अब इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब जितने भी हमने आ, पकोड़े फ्राई किए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे अब बस हमारा काम हो गया आपको इसमें बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं होगी ना कभी कड़ी फटेगी क्योंकि हमें जो नमक है वो हमेशा जब डालना है जब इसमें बॉयल अच्छे से स्टार्ट हो जाए तब हमें नमक ऐड करना है और पहले हाई फ्लेम में इसको बॉयल स्टार्ट कर लेना है और फिर इसके बाद हम अपनी फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और कम से कम दस मिनट तक इसको ऐसे ही बॉयल होने देंगे लास्ट में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिए इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप ज़रूर डालिएगा और जितना अच्छे से ये बॉयल होगी हमारी कड़ी उतना ही इसका टेस्ट अच्छे से बढ़ जाएगा तो आप कम से कम दस मिनट तक तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही बॉयल होने देना ये कड़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनेगी बथुआ की कड़ी एक अलग ही टेस्ट होता है इसका अब देखिए इस ये जो हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है अब इसमें एक पकौ इसके पकौड़े देखिए किस तरह कैसे होते हैं सॉफ्ट हैं कि नहीं तो एक चेक करके दिखाती हूँ ये देखिए देखो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे आपको कभी भी लगेगा नहीं कि हम तो देखिए एक हल्का सा करने से ये पूरे मैश हो चुका है ये देखिए बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छे बनेंगे हमारे ये पकौड़े इसमें मेन चीज़ है घी डालना घी बहुत ज़रूरी है डालना आपके कपड़ पकौड़े कभी भी टाइट नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी ये कड़ी एक बार बना के जरूर देखिए